बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि यूपी में इस बार हमारी सरकार बनी तो हम महापुरुषों के नाम से पार्क, प्रतिमा या संग्रहालय बनाने में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सूरत बदलने में अपनी ताकत लगाएंगे। मायावती ने यह बात लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में कही। मायावती ने कहा कि इस बार सर्व समाज के साथ ब्राह्मणों की जुगलबंदी से उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनने जा रही है। मायावती ने कहा कि अपनी सरकार में उन्होंने महापुरुषों की प्रतिमाएं लगवाई, संग्रहालय बनवाए और पार्कों का निर्माण कराया, लेकिन इस बार उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब सरकार बनेगी तो पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश में विकास कर उसकी तस्वीर बदलने पर दिया जाएगा। मायावती ने यह भी कहा कि अगर ब्राह्मण उनके साथ आए तो निश्चित रूप से 2007 की तरह ही 2022 में भी प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी और मेरा वादा है कि मेरी सरकार बनी तो ब्राह्मणों के सम्मान, स्वाभिमान व रोजी रोटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मायावती ने आगे कहा कि पहले सपा और बाद में बीजेपी में ब्राह्मणों का उत्पीड़न होता रहा है। उनके साथ कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रही हैं। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए मायावती ने कहा कि बीजेपी ने किसानों की आय दुगुनी करने का वादा किया था, लेकिन कृषि कानून के जरिए उनकी जमीन छीनने की तैयारी शुरू कर दी है। आंदोलन के बावजूद काले कानूनों को खत्म नहीं किया जा रहा है। यदि यूपी में बसपा की सरकार आई तो निश्चित रूप से इन कानूनों को प्रदेश में लागू होने नहीं दिया जाएगा। मुसलमानों को साधते हुए मायावती ने आगे कहा कि मुसलमानों को मेरठ के मालियाना और मुजफ्फरनगर कांड को नहीं भूलना चाहिए। मायावती ने आगे कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिमों के पूर्वज एक हैं। यदि ऐसी बात है तो आरएसएस और बीजेपी मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती हैं? सभा को संबोधित करती हुई मायावती ने मंच से यह भी ऐलान किया कि 9 अक्टूबर को कांसीराम की पुण्यतिथि पर मंडल स्तर पर कोई आयोजन नहीं होगा। इस बार प्रदेश भर से सभी कार्यकर्ता सीधे लखनऊ आएंगे और कांसीराम पार्क में श्रद्धांजलि देंगे। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ में मंगलवार को ही प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। इस सम्मेलन में दिए गए भाषण से आप समझ सकते हैं कि मायावती ने अपने आगे की चुनावी रणनीति की एक खाका खींच दी है और एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर चलते हुए वह ब्राह्मणों के साथ साथ दलित मुसलमानों को जोड़ने में जुट गई है। लेकिन मायावती के इस फार्मूले से बीजेपी के वोट बैंक को ही खतरा है। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में मायावती ने अपने वक्तव्यों से प्रदेश के लोगों में जो जगह बनाई है वह पार्टी के उत्थान का कम, खुद को बचाने का ज्यादा दिखता है। यही कारण है कि मायावती पर उनके दलित वोटरों का भी अब भरोसा कम हुआ है। ऐसे में मायावती जी सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रही हैं, वह सत्ता में आने की कम, खुद को राजनीतिक संदर्भ में बनाए रखने के लिए अधिक है।